हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी एक मिठाई, जो कि बहुत ही कम घी में मैंने बनाई है। लगभग 1 से 2 चम्मच घी से इतनी टेस्टी मिठाई कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस त्यौहार के मौसम में जब इसे आप बनाएंगे ना, तो आपके त्यौहारों में चार चांद लगने वाले हैं। तो हम लेंगे थोड़े से मुरमुरे, यानी कि पफ्ड राइस। लगभग मैंने 1.5 बाउल मुरमुरे का यूज़ किया है। एक पैन लेंगे और पैन में इसको हम बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे। कुछ भी तेल वगैरह ऐड नहीं करना है इसमें, ना घी वगैरह कुछ नहीं। केवल इसको इस तरीके से सूखा सूखा एकदम इसको रोस्ट कर लेंगे। इसमें आप चाहे तो मखाने भी ऐड कर सकते हैं एक कटोरी भर के, लेकिन मैंने मखाने इसमें ऐड नहीं किए। अगर आपका आपको मखाने पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने 1.5 कप भर के मुरमुरे लेने के बाद अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसको निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तक बिल्कुल ये कुरकुरे ना हो जाए तब तक इसको ठंडा होने देना है, क्योंकि तभी हम इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल पाएंगे। देखिए अभी पूरे कंप्लीट हो गए हैं, तो इसको निकाल दीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब देखिए सारे ठंडे हो चुके हैं, तो मैंने इसको तो आपको तोड़ के दिखाया है। एकदम से कुरकुरे हो गए हैं, आपको छूने से ही टूटने लगेंगे। अब हम चलें दूसरी चीज़ ऐड करेंगे, वो है काजू। तो काजू मैंने आधी कटोरी भर के लिए हैं और 1 चम्मच मैंने घी डाला है। देख लीजिए, सिर्फ 1 ही चम्मच घी डालना है, देसी घी। उसमें हमें इसको अच्छी तरीके से रोस्ट करना है। तो घी का यूज़ में बहुत ही कम हुआ है और बिना घी के ही ज़बरदस्त एकदम मिठाई बनी है। तो अब हमने काजू को देखिए इस तरीके से अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसके बाद हमने डाले हैं बादाम, वो भी लगभग 15 से 20 बादाम आप डाल सकते हैं। कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार आप, लेकिन आपको काजू और बादाम ऐड करने हैं। तो बस इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी रोस्ट हो चुके हैं, इधर हमारे मुरमुरे ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए इसको हम इसका पाउडर बना लेते हैं। तो मिक्सी जार में मैंने इसको डाल दिया है और इसका हम बना लेंगे एक बढ़िया सा पाउडर। तो चलिए देखते हैं कैसा बना है हमारा पाउडर। तो देखिए रेडी हो गया है पाउडर, बस इसको निकाल के एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम काजू बादाम को भी इस तरीके से ही उसका पाउडर बनाएंगे। लेकिन ये क्योंकि घी में हमने रोस्ट किया है तो एकदम फाइन पाउडर तो नहीं बनेगा, हाँ लेकिन बढ़िया से ही पिस जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से कोशिश करें कि इसमें दरदरापन बिल्कुल ना रहे, तो नहीं तो मिठाई में थोड़े से पीस आएंगे। इसको आप इससे बढ़िया से बढ़िया जितना आप इसको चला सकते हैं मिक्सी में, चलाने के बाद ही इसको रखिए इस तरीके से और दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए। दोनों को मिक्स करने के बाद साइड से रख दें। अब मैंने लग दिया 1 गिलास दूध, जिसका मैंने आधा छोड़ लिया है, आधा क्या थोड़ा सा ही छोड़ा है। इसको हम अच्छे से बॉईल आने देंगे और बॉईल होने के बाद इसमें हम 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे। 1 चम्मच घी हमने पहले डाला था, अब 1 चम्मच घी हम इसमें आप डालेंगे, दूध में ही डाल देंगे। और दूध में डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा और बॉईल आने देंगे इसमें। और बॉईल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो है इसकी मेन चीज़, वो है चीनी, क्योंकि ये मिठाई है तो मीठा तो होना ज़रूरी है। तो मैंने इसमें लगभग आधी से थोड़ी सी ज़्यादा कटोरी चीनी ली है। आप मेजरमेंट समझ लीजिए, 1 गिलास दूध और 1 गिलास ही चीनी डाल दीजिए। और अगर आप 2 गिलास दूध लेंगे तो 2 कटोरी चीनी डालना पड़ेगा आपको। तो इसको भी बॉयल करने दीजिए, बॉयल आएगा उसके बाद हम इसमें और कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच जो है मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया है। तो मिल्क पाउडर से इसमें टेस्ट एकदम खोए वाला टेस्ट आ जाएगा, जैसे खोए की मिठाई होती है ना, वैसी मिठाई बन जाएगी। और अब मैंने इसमें ऐड किया है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, और जो कोकोनट का जो पाउडर होता है ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है। बस इलायची पाउडर डाल दीजिए खुशबू के लिए। इसको धीरे धीरे चलने दीजिए इस तरीके से। बढ़िया सा बॉईल आते ही जो है इसको हम थोड़ा सा और चलाएंगे, थोड़ा 1-2 बॉईल इसमें और आने देंगे। इस तरीके से धीरे धीरे इसको थोड़ा सा बनने दीजिए, लगभग 10 से 15 मिनट सफिशियंट हो जाएगा बस। क्योंकि सारी चीज़ें डाली है ना, जो कोकोनट पाउडर डाला है, जो हमने इलायची पाउडर डाला है और जो भी हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है, वो सब आपके से मिल जाएंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें अपना वो जो हमने जार में पीसा था ना मुरमुरे का पाउडर, तो वो हम इसमें डाल देंगे। काजू और मुरमुरे का पाउडर इसमें ऐड कर दीजिए और लगातार जो है मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते जाएं। देखिए धीरे धीरे जो है ये पैन जो है ना बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ने लगेगा। तो जैसे जैसे हम चलाएंगे तो देखिए इस तरीके से ये बनता जाएगा। आप देख सकते हो कितना बढ़िया एकदम इसका एक मावा जैसा रेडी हो गया है। तो इसको अभी इतना चलाएंगे कि ये पैन से बिल्कुल अलग होने लगेगी। बस जैसे ही इसका अलग हो जाएगा ना, इसकी पहचान है, बस ये रेडी हो गया है। जब आपको लगे कि आपका पैन जो है ये मावा जो है छोड़ने लगा है, हालांकि मावा है नहीं लेकिन वैसा ही लग रहा है। तो इसको जैसे आप देखिए पैन से अलग होने लगा है, तो एक कोई भी आप ट्रे थाली जो भी आपके पास है उसमें लगा लीजिए और घी लगा दें इसमें थोड़ा सा नीचे से, ताकि वो जो चिकनापन बढ़िया से खुशबू आ जाए जैसे घी की। और इस तरीके से इसको पूरे ट्रे में सेट कर दीजिए इक्वली बिल्कुल, क्योंकि अगर नहीं तो आप इक्वल नहीं करेंगे तो कहीं छोटी कहीं बड़ी अच्छी अच्छी नई मिठाई बनेगी आपकी। अगर आपको बढ़िया मिठाई बनानी है तो इसको एकदम से थोड़ा सा ऊपर से घी लगाने के बाद हल्का हल्का सा इस तरीके से टैप कर दीजिए। तो जो भी आपके पास हो कटोरी ग्लास या फिर जो जैसे पाव भाजी बनाते हैं ना, इससे मैंने अच्छे से टैप कर दिया। देखिए बिल्कुल इक्वल हो चुकी है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही इक्वली इसको जो है टैप करना है, ताकि एक बढ़िया सी बर्फी बन सके। तो लीजिए एकदम टैप हो चुका है इसको।
अब हम इस पे ऊपर ऐड करेंगे थोड़े से क्रश्ड और पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स। अगर आप चाहें तो इसमें साबित या छोटे टुकड़ों में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से डाला है, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कुछ काजू बादाम और थोड़े से रोज़ पेटल्स, इलायची वगैरह कुछ लेकर और पिस्ता और वो सब डाल के, मिल्क पाउडर डाल के 1 चम्मच, इसका देखिए दरदरा सा एक पेस्ट बना लिया है। बस इस पेस्ट को इसके ऊपर डाल देंगे, इसके इसका जो टेस्ट है ना फ्रेंड्स, वो दुगना हो जाता है। बहुत ही बढ़िया मिठाई, आप देख सकते हो कितनी अच्छी यमी एक मिठाई रेडी हो रही है, वो भी ना तो इसमें ज़्यादा खोया है ना कुछ है, सिंपल सी चीज़ों से जो घर में हमेशा रखी मिलती है, उससे हमने कितनी बढ़िया मार्केट जैसी मिठाई बना के रेडी कर ली है। दिवाली आ रही है फ्रेंड्स, और भी त्यौहार आ रहे हैं, तो आप सबके लिए कोई भी ये मिठाई बनाना बहुत इजी होगा, इतने सारे कामों में एक इजी मिठाई बनाना, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। तो देख सकते हो आप कितनी बढ़िया बर्फी हमारी रेडी हो गई है, इसको मैंने काट के दिखा दिया है। थोड़े से अच्छे रिजल्ट के लिए आप 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए, ताकि बढ़िया से ये जम जाए। देखिए फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में सिर्फ, ताकि सेट हो जाएगी अच्छी तरीके से। देखिए तोड़ के भी दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल लग रही ना बाजार जैसी बर्फी, और कितनी इजी बन गई, और उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें पड़ी भी नहीं है। तो फ्रेंड्स इस त्यौहारों के मौसम में इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें, और मुझे बताएं आपको मिठाई की ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक तो करना ही करना है फ्रेंड्स, क्योंकि तो इतनी अच्छी सी रेसिपी मैंने आपको बताई है और बहुत ही ईजी है, बहुत कम समय में आपको बाजार जैसी मिठाई घर में ही मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप भी बनाइए और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इसको ज़रूर खिलाएं, और दिवाली आ रही है इसको ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।